नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। वीरेंद्र सहवाग जो अपने आजकल उल जलूल बयानों के लिए बड़े चर्चा में हैं, उन्होंने एक और उल जलूल बयान दिया है, एकदम ऐसा बयान दिया है जिस पर वीरेंद्र सहवाग को सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि रोहित शर्मा अभी चोटिल चल रहे हैं और उनके चोट लग गई थी, किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हैमस्ट्रिंग आ गई थी उनको, और उसके बाद से वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं मुंबई की तरफ से, पोलार्ड कप्तानी कर रहे हैं। तो फिर जब रोहित शर्मा की जगह पर सौरभ को मौका दिया गया, यानी सौरभ तिवारी को, तो एक कमेंट कर दिया ऐसा कि वीरेंद्र सहवाग उसके बाद ट्रोल हो गए। कमेंट क्या किया था वही बस एक तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। कमेंट उन्होंने किया था एक तरीके से, उन्होंने रोहित शर्मा को वड़ा पाव कह दिया था और सौरभ तिवारी को समोसा पाव कह दिया था। और बोले क्या थे, सुनिए, कि मैच में अगर वड़ा पाव चोटिल हो गया है तो उसकी जगह समोसा पाव ले सकता है और समोसा पाव ही उसकी जगह ले सकता है। यानी कि वो रोहित शर्मा को कह रहे हैं वड़ा पाव और सौरभ तिवारी को कह रहे हैं समोसा पाव। बताइए ये किस तरीके का कमेंट है? आप मजाक कर रहे हैं या फिर आप इंसल्ट कर रहे हैं, यही सवाल किया गया। उसके बाद उनके इस ट्वीट को बाकायदा रिट्वीट करते हुए उस पर बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल पूछा, उनसे कहा कि आपकी क्या मानसिकता है, आप मजाक करते करते आप यही नहीं समझते कि आप हद पार कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बिलो द बेल्ट पार कर रहे हैं, आपके मजाक का कोई मतलब कोई एक तरीके से स्तर ही नहीं है, किसी को भी आप मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो एक तरीके से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, लोग निशाना साध रहे हैं। वैसे आप क्या मानते हैं, ये जो बयान दिया उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर और एक तरीके से उन पर निशाना साधा है, या फिर तंज कह सकते हैं या मजाक कह सकते हैं, मतलब वीरेंद्र सहवाग तो यही कहेंगे यार मैंने तो मजाक किया था। लेकिन क्या मजाक में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शब्दों का चयन किया है, क्या वो सही है, वो जायज है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके और भी अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्हें क्या लगता है, और वीरेंद्र सहवाग के लिए जो भी आपके मन में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।